नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.6 का पहला प्रश्न अब हम करने जा रहे हैं। इस प्रश्न में हमें कहा गया है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो प्रथम भाग है 8x माइनस 3 बटा 3x बराबर 2। हमें इसको हल करना है। तो बच्चों, हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हम इसे एक सीधी रेखा में लेकर आए। तो इसके लिए क्या है, ये जो 3x यहाँ इस पूरी 8x माइनस 3 से भाग हो रहा है, इस 3x को हम उधर जाके गुना कर देंगे। गुना क्यों करेंगे, क्योंकि 3x इधर 8x माइनस 3 से भाग हो रहा है, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बराबर 3x जो है ये उधर 2 के साथ जाके गुना हो जाएगा। जब ये उधर 2 से गुना होगा तो 3 दुनी 6, साथ में x, 6x बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम पहले भी करते आए हैं ऐसी चीजें कि x वाली रकम में एक तरफ ले आएंगे, बिना x वाली रकम में दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये बराबर का निशान है, 8x यहाँ पहले से है, 6x यहाँ इसके साथ कोई निशान नहीं है, यानी ये प्लस का है। लेकिन जब ये उधर जाएगा तो इसका निशान चेंज होकर बन जाएगा माइनस, तो ये आ गया 8x माइनस 6x। इसी प्रकार से यहाँ है माइनस 3, लेकिन इसे बराबर के उधर भेजना होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ x वाली रकम है, बिना x वाली रकम को बराबर के उधर भेजना है। तो ये है माइनस 3, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 3 है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस 3। अब आगे देखते हैं, 8x माइनस 6x होता है 2x बराबर 3। तो x किसके बराबर आ गया, 3, 2 इधर x के साथ गुना हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा भाग। तो हमें समीकरण को हल करना था। समीकरण को हल करने का मतलब होता है जो भी चर हमें दी है x, y, z, a, b, c, उसका मान ज्ञात करना। तो ये हमने x का मान ज्ञात कर दिया है, x बराबर है 3/2 के। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज 2.6 का पहला प्रश्न था। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। यदि ये आपको प्रश्न इस वीडियो के जरिए आसान लगा और आसानी से समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें और अच्छे से और सरलता से और मेहनत से वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।